So good afternoon to all. Hi Sushri. Hi everyone. Hello someone. आमे स्टार्ट करिबा हाय स्वाति प्रिया ओके तो आज तमे समस्ते जानिछ जे ताजा पार्ट ऑफ प्रोसेस रे आमे प्रथमे अनअकैडमी विषय रे कहिबा तापर आमे क्लास स्टार्ट करिबा सो अनअकैडमी रे ओपीएस रा लाइव क्लास हमरा करा जाउची जो थी कि गवर्नमेंट रो जतक एग्जाम रहिला ओडिसा रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम सब थी तमे जो सब कोर्स गुडा तमे गोटिए प्लेटफार्म रे पाई परिबो ओके नेक्स्ट होची जे हमरा कोन ना एई थी हमरा मोर देन 25 एजुकेटर वर्तमान अछंती ओके तो एटा को एक्सपांड करिके हमरा 50 एजुकेटर रहबो गोटे प्लेटफार्म रे तो एई थी हमरा डिफरेंट कैटेगरी रा तमे टॉप एजुकेटर पाई परिबो से ओपीएससी हो कि आमर ओएससी हो किबा आमर बीडी हो सिटी बीडी हला किबा आमर स्टेट एससीसी जो एसएससी हला तो सबु थिर आमर टॉप एजुकेटर माने गोटिए प्लेटफार्म रे तमे पाई परिबो ओके जोटा कि आमर ओपीएससी रे से माने डिफरेंट कैटेगरी पढ़ू छन तेनु आमर इकोनॉमिक्स होला आमर करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी स्टेट अफेयर्स सबु थिर तमे गोटिए प्लेटफार्म रे आमर कोन करि परिबो ना सबु जिंस तमे गोटिए प्लेटफार्म रे पाई परिबो ओके तो तापाई ता छड़ा हमरा जो ओपीएससी रा जो मेन कोर्स हमरा चली छी वर्तमान तमे जानि थिबो जे हमरा ऑप्शनल कोर्स जो थरे की हिस्ट्री चली छी ज्योग्राफी चली छी पॉलिटिकल साइंस चली छी ओके तमरा तापरे होम साइंस चली छी ओके तो एमती सब गुडा का हमरा कोन हबो ना ऑप्शनल कोर्स भी हमरा डिस्कशन हो जाय तनुजा है ज्योति रंजन तो ए सब गुडा का हमरा डिस्कशन हो छी प्लस ओसीएस मेन रा कोर्स हला एस हला ओएमसी जूनियर क्लर्क हला कि हमरा सिटी बीडी ओटीटी तो सबुति पई हमरा कोर्स चली छे ओके जो मनकर बेले बेले जदि तमर कोनोसी समय रे जदि हैंग हे जाउ छी तमे बंद करके आउ थरे ओपन करि परिबो पॉलिटिकल साइंस हमे ऑलरेडी कोर्स तमे मोर कोर्स जो ऑलरेडी हमरा क्लास ऑलरेडी चली छी चारिटा क्लास ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस रा सरिलानी तमे मो प्रोफाइल को जाई के चेक करि परिबो आ प्रथमे तमे गोटे कोर्स रा नोटिफिकेशन पाइबा को हेले तमे प्रथमे कोन करिबो ना हेटा को एनरोल करिया को पड़िबो ओके तापरे जाई के तमकु ता उपरे मिलिबो तमकु नोटिफिकेशन आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट होची कोन हमरा तमरा लाइव क्लास एथि रहउची टेस्ट सीरीज होची डाउट क्लियरिंग क्लास होची ओके तो ये टॉप एजुकेटर मैंने पढ़ाऊँगी ओके नेक्स्ट है जे तमरा जो डिफरेंट फी अच्छी वन मंथ पे अच्छी थ्री मंथ्स पे अच्छी सिक्स मंथ पे अच्छी ट्वेल्व मंथ पे 24 मंथ पे अच्छी तमें जदि आ भितर कौन सी भी जो सब्सक्रिप्शन नौ मो कोड यूज कर मो कोड है ओके जस्ट वन मिनिट आई विल ओपन दैट वन तो मो कोड है तुम कोड है DKR ओके दीपक कुमार राउत ओके DKR लाइव तो DKR लाइव तुम जब यूज कर इमीडिएटली तुमको 10% डिस्काउंट मिल ओके तो 7000 तुमको 6300 रुपीज मिल यहाँ नुहे यहाँ भूल आम कोड ओके तो करेक्ट कोड हूँ आम कौन ना DKR लाइव तुम यहाँ यूज कला मैंने इमीडिएटली तुमको 10% डिस्काउंट मिलिबा बहुत पिला हमरो एथे सब्सक्रिप्शन करी के हमरो प्लस प्लेटफार्म रे पढु छंती ओके तो सेमान कोटु तमे फीडबैक नै की जॉइन करी परिबा ओके तो ता छडा होची हमरो
ता छड़ा आमर एथिरे जदि तमे कोनोसी लाइव क्लास आमर मिस करिगल ओके हाय राजीव लाइव क्लास जदि मिस करिगल ताहले तमे कोन करि परिबो ना रेकॉर्डिंग वीडियो भी देखि परिबो ओके तो एही सब फैसिलिटीज अछि तो जोडा कि अन एकेडमी रे तमे जॉइन करि परिबो सो तो जदि तमे इंटरेस्टेड तमे जॉइन करि परिबो तो आमे आजि कोन पढिबा ना फ्रीडम फाइटर को ऊपर आमर डिस्कशन करिवार अछि जे हिस्ट्री रे कौन कौन को मैंने इम्पोर्टेंट आम फ्रीडम फाइटर थिले तो आम डिस्कशन करवा तो से भितर आम जड़े इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर जे कि ओडिशा आम कह सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी फ्रीडम फाइटर तो सी होंगे आम किए ना रमादेवी ओके हाय ललाट तो रमादेवी आम डिस्कशन करवा इवन इफ तुम ओपीएससी मेन रे भी पढ़ुची ओके जे 5 मार्क्स अलरेडी 3-4 टाइम्स आम रमादेवी क्वेश्चन आसी ओके तो रमादेवी आमर कौन कौन पॉइंट आम तुम्हें आग आम तो एनिवे लाइफ हिस्ट्री स्टार्ट करके आम एंड जाए गोटे जेहेतु यहाँ वोमेन एम्पावरमेंट उपर क्लास आज मदर्स डे उपर क्लास तेणु गोटे डेफिनेटली हूँ जे वोमेन मानकर जो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी हो कि नेशन बिल्डिंग रे हो तो दैट इज मैंने हूँ अनपारालाल आम कहीपर ओके तो से जो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी सब हूँ ना कंपेयर टू मेन सब मैंने इक्वल पार्टिसिपेशन इक्वल फुटिंग रे से मैंने जाई थी ओके कौन कौन आम पॉइंट आम डिस्कशन करपर तो तुम कि कह हाय दीप्ति हाय एग्जाम फॉर ऑफिशियल ओके ओके डोनेटेड ऑल हर ज्वेलरी ओके 3 December 1899 सत्यभामपुर रे सी आमर जन्मग्रहण करते ओके आउ कौन कौन तर कंट्रीब्यूशन मदर ऑफ द मासेस माँ बोली कह जाए ओके तो ओडिशा रे तंकु माँ बोली आख्या दिया जाइछि पार्टिसिपेटेड इन एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वेरी गुड ललाट मैरिड टू गोपबंधु चौधरी वेरी गुड शिवा संपादिका संपादिका प्रदेश हरिजन सेवक वेरी गुड सत्याग्रह इंचुडी रे करिथिले तो साल सत्याग्रह इंचुडी रे करिथिले जो आम साल सत्याग्रह ओडिशा रे हेतला सीडीएम रे से जेल जाइथिले ओके तो देख जेहेतु आमर माने आमे केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु पढ़ुने आउ लाइफ हिस्ट्री पढ़ा दरकार ओके मुझे गोटे ओवरअली ओके हाय सोमनाथ तो ओवरअली आम डिस्कसन करवा ओके तो फास्ट कथा जे ओके मेन आर वोमेन आर लाइक द टू विंग्स ऑफ द नेशन ओके तो तुम्हें यहाँ आम जो ओडिशा जो मैगजिन तुम्हें देखु इवन इफ एट गोटे पॉपुलर से मेन एंड वोमेन आर द टू विंग्स ऑफ द नेशन ए बार्ड कैन नॉट फ्लाई विथ वन विंग तो गोटे आम चढ़ईटा केवे भी गोटे डेना उड़ी पार कि सेमती गोटे देशटा डेवलपमेंट हाँपी हेले ओके वोमेन मानकर पार्टिसिपेशन निहाती दरकार ओके मेन एंड वोमेन आर लाइक द टू विंग्स ऑफ ए नेशन आज द बार्ड कैन नॉट फ्लाई विथ वन विंग व्हाइल अदर बीइंग पैरालाइज सो ऑल नेशन कैन नॉट बी प्रोग्रेस एनी नेशन कैन नॉट बी प्रोग्रेस विदाउट द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वोमेन फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द नेशन तो ये आम डेफिनेटली हूँ कौन ना गोटे नेशन जो डेवलपमेंट हाँ को वोमेन मानक पार्टिसिपेशन आमर निहाती दरकार आउ जदि हिस्ट्री तुम्हें देखी आसब ओके वोमेन मानक पार्टिसिपेशन सब बेले अच्छा सी आम सरोजिनी नाइट हूँ कि सी आम आनी बेसांत हूँ कि सी आम प्रीतिलता वादियर हूँ कि आम कह कल्पना दत्त हूँ कि आम कह सुचेता कृपालिनी हूँ तो समस्ते वोमेन मानकर इक्वल फुटिंग रे सेमाने कौन करते ना फ्रीडम मूवमेंट रे पार्टिसिपेशन करते नेशन बिल्डिंग रे पार्टिसिपेशन करते इंडिया को इंडिपेंडेंस दबारे जी मेन मानकर पार्टिसिपेशन अच्छी से फीमेल मानकर भी पार्टिसिपेशन अच्छी सो विदाउट
द पार्टिसिपेशन अफ द वोमेन ए नेसन कैन नॉट आमर कौन हमी ना प्रोग्रेसिव हो पारे गोटे इफेक्टिव कंट्री आमर हो पारे ओके तेणु आमर व्वल रिमेम्बरिंग द वोमेन हु ब्रेक द न्यू ग्राउंड आमर से ही समय देखा गले कौन है इवन इफ आजिका डेट रे भी आम वोमेन मान को बहुत रेस्ट्रिक्शन अच्छी फैमिली रूराल एरिया रे फैमिली रे से जॉब करिवारे फैसिलिटीज नहीं से आउटसाइड रे इंडिपेंडेंटली जो मूव करने फैसिलिटीज नहीं तो सेतेबेले से ही ग्राउंड सब रूल को ब्रेक करके वोमेन मैंने बाहर को आसिक पार्टिसिपेट करते एंड बिकम ए एग्जांपल फॉर अदर वोमेन ओके तो से आम रिमेम्बर तांकर कौन कंट्रीब्यूशन आउ तांकर कौन आमर सोसाइटी प्रति जो से मानकर सोशल रिफॉर्म रे से मानकर कौन पार्टिसिपेशन थिला ता ऊपर हमें डिस्कशन करिबा ओके हाय विग्नेश तो व्हाइल रिमेम्बरिंग द वोमेन हु ब्रोक द न्यू हु ब्रेक द न्यू ग्राउंड एंड लेफ्ट देयर फुटप्रिंट्स ओके इन द मेमोरीज ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैन नेवर भी फॉरगेट ओके तो आमर रमादेवी से जड़े इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ओके तो हु नॉट ओनली द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बट एन आइडल फॉर द वोमेनहुड फॉर एवरी वोमेन इन ओडिशा तो डेफिनेटली तुम्हें जानी थी हाय जोस्ना तो आमर एवरी वोमेन आमर जे कि ओडिशा डेफिनेटली जो जानी थे तुम जानी थी जो रमादेवी आमर कलेज थी एवं यूनिवर्सिटी हो जाए ओके तो ना आम रमादेवी यूनिवर्सिटी को सेटा आमर चेंज कराई तो याली लाइफ तुम्हें देखिले रमादेवी ओके तो याली लाइफ देखिले सी थर्ड डिसेंबर 1899 आमर जन्मग्रहण कर जो कौटी ना कटक कटक डिस्ट्रिक्ट जन्मग्रहण करते मदन का ना था बसंता कुमारी देवी आउ फादन का ना था गोपाल बल्लभ दास ओके तापर तुम जान जे चाइल्डहुड रमादेवी इनफ्लुएंस होता आम उत्कल गौरव मधुसूदन दास हेले महात्मा गांधी हेले विनोबा भावे हेले जयप्रकाश नारायण तो समस्त ठारू सी इनफ्लुएंस होते ओके तो इनफ्लुएंस होमर यू जितेबले से फ्यूचर में आसवे तो सब नेशनल मूवमेंट गुड़ाक पार्टिसिपेट करेंगे तो आमर जो 11 नवंबर 1914 सी आम मैरिड कले क्या ना गोपबंधु चौधरी ओके तो गोपबंधु चौधरी को मैरेज कले ओके तो तांकर जो हस्बैंड का ना तुम्हें मन रखिब गोपबंधु चौधरी जी की सन ऑफ श्री गोकुलानंद चौधरी हु हैपेंड टू बी वन ऑफ द क्लोजेस्ट फैमिली फ्रेंड ऑफ हर फादर एट दैट टाइम ओके अनलाइक हर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ वाज स्टॉन्च मैंने कंजर्वेटिव वोमेन ऑफ दैट टाइम बट स्टिल एवरीबॉडी लव्ड हर ड्यू टू द गुड मैनर एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ओके तो जे डेफिनेटली से ही समय तुम्हें भाव जे आजिका डेट रे जदि भी आम कहे वोमेन मान को ये फ्रीडम मिलनी फिर भी से कंजर्वेटिव डेफिनेटली थे बाद भी सी कौन करते ना सब जो फोर वाल को क्रॉस करके सी आम नेशनल मूवमेंट गुड़ाक पार्टिसिपेट करते तुम्हें नेशनल मूवमेंट देखिले जो नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आम 1921 रे जानी थी नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता तो से जो गांधीजी कल दे ये नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रे पार्टिसिपेट करेंगे इवन पर आमर जो सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट होती है से पार्टिसिपेट करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट जो होती भी पार्टिसिपेट करेंगे तीन टा आम इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट होता तो सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो कि आमर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो से आमर ये पार्टिसिपेट करते किए ना रमादेवी ओके तो रमादेवी तुम ना जाचे एक्चुअल ना हूँ रमादेवी चौधरी तो आम पॉपुलरली रमादेवी कह कहू ओके तो इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर एंड सी कॉल्ड माँ बाय द पीपल ऑफ ओडिशा तो आम ओडिशा माँ बोली डक जाए ओके 3rd December 1899 कटक जन्मग्रहण करते पेरेन्ट्स गोपाल बल्लभ दास ओके तो तांकर भी चिल्ड्रेन का ना है अन्नपूर्णा महाराणा आउ मनमोहन चौधरी ओके तापर आम तुम जाचे तो पॉलिटिकल लाइफ आम देखा जे अर्ली लाइफ आम देखिले जे से कटक जन्मग्रहण करते ऑलरेडी इन्फ्लुएंस बाय आम इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी लाइक आम मधुसूदन दास हेले कि महात्मा गांधी हेले सरदार पटेल हेले से थ्रू इन्फ्लुएंस किए नेशनल पॉलिटिक्स इनवॉल्व होने जो मन बढ़े ओके तो पॉलिटिकल कैरियर तंकर जो स्टार्ट कह रमादेवी स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल मैंने हर पॉलिटिकल कैरियर इन 1921 ओके
ତ ଯେତେବେଳେ ସି ଜଏନ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓକେ ହୁ ଲେଫ୍ଟ ହିଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଇୟର୍ ତ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଥିରେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ତ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସି ଅଲ୍ସୋ ଜଏଣ୍ଟ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ ସେହି ସମୟରେ 1921ରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଲ୍ ହୋଇଥିଲା ତ ସେଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ନା ବୟକଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୟକଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍ସ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଖଦି ହେଲା ବୟକଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୟକଟ୍ କରାହେଉଥିଲା ତ ସେଥିରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ପାର୍ଟ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସୋ ଦେ ଟୁ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସବ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ହର ବ୍ରଦର୍ ଇନ୍ ଲ ତ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରଦର୍ ଇନ୍ ଲ ଆମର ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସେମାନେ ବି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିର ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥିବେ କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବେ ସୋ ଆଫ୍ଟର୍ ଜଏନିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ସି ୟୁଜ୍ ଟୁ ୱେୟାର୍ ଓନ୍ଲି ଖଦି ଲିଭିଂ ଆପାର୍ଟ ଦ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଶାଢ଼ୀ କ୍ଲଥ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ତିଲକ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମର ସେତେବେଳେ ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଓକେ ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଓକେ ତ ଆମର ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ ଜଣେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍ ହିସାବରେ ଯେମିତିକି ଆମର ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଖଦି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓକେ ତ ଇନ୍ ହର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟ୍ ୱିଥ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଟ୍ କଟକ ଇନ୍ ଇୟର୍ 1921 ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସି ଅଫର୍ଡ ଓକେ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱୁମେନ୍ କଟନ୍ ବଣ୍ଡଲ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱେନ୍ ହି କୁଡ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିନାରୀ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓମେନ୍ ଫର୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ ଓକେ ତ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ସିଏ ଆମର ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ବୁଣା ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ କଟନ୍ ବଣ୍ଡଲ୍ ଆମର ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଓକେ ତ ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସିଏ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ତା ଛଡ଼ା ଆମର କେଉଁଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ନା ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତ ସି ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁଟାକି ଡିଫରେଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା 1930ରେ ଆମର ହୋଇଥିଲା ତ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ତ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ତ ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଆମର ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିବ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତ ସେଇ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସିଏ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସି ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 1930ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବେ ଆଉ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଯାଇକି ଦାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଦାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିକି ସିଏ ସଲ୍ଟ ଲ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ସଲ୍ଟ ମେକିଂ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଓକେ ତ ସିମିଲାର୍ଲି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତାଞ୍ଜୋର କୋଷ୍ଟରେ ଆମର ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କେରଳରେ କେ କାଲାପାନ ଯିଏକି କେରଳ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଭଳିଆ ଆମର କିଏ ନା ରମାଦେବୀ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବେ ଆମର ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଓକେ ସୋ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କଟକ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସି ୱେନ୍ ଟୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଓକେ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଆଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ଓଡ଼ିଶୀ କଟକରେ ଥିଲେ କଟକରେ କାହିଁକି କଲେନି ପୁରୀ ତ ପାଖରେ ଥିଲା କାରଣ ସେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏମାନେ କରିଥିଲେ ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ତ ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଥାଇ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମର ଓକେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିରଣ ବାଲା ସେନ୍ ଥିଲେ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ହୋୟାର ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପପୁଲାର୍ଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ ଓକେ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଇୟର୍ ଦ ମନ୍ଥ ଯେଉଁ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଆମର ନଭେମ୍ବର 1930ରେ ତୁମର ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆରେଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ରମାଦେବୀ ଆଉ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିହାରୀଙ୍କୁ ଆମର ଆରେଷ୍ଟ କରାହେବ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମର ଭେଲୋର ଜେଲ୍ରେ ରଖାହେବ ଆଉ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଆମର ଯିବେ ଓକେ ଭାଗଲପୁର ଜେଲ୍ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 1930ରେ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେବ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର 11ଟା ପଏଣ୍ଟ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗାନ୍ଧୀ 11ଟା ଅଲ୍ଟିମାଟମ୍ ଦେଇଥିବେ କାହାକୁ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍କୁ କହିବେ ଦେଖ ଭାଇ ମୋର ଏଇ 11ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ତୁମେ ସଲ୍ଟ ଉପରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟାଇ ଦିଅ ତ
तुम कौन लिकर लिकर को पूरा ब्यान कर तुम जो एक्सपेंडिचर करुच रिलेटेड टू मिलिटरी एक्सपेंडिचर ताकू आम 50% कमे दियो। तापर तुम्हें जो लैंड रेवेन्यू अच्छी ताकू आम 50% कमे दियो। तुम्हें तापर जो कौन हो ना जो पॉलिटिकल प्रिजनर माने अच्छा तांकू तुम्हें रिलीज कर। तो एमती एगारटा पॉइंट जिते बड़े गांधीजी रखिए आमर लॉर्ड इरविन का पाखे लॉर्ड इरविन राजी हेनी कहे मुझ मानवीनि। तो ये गांधीजी कौन करेंगे ना तार रेस्पन्स सल्ट सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। ओके तो तुम एटा स्टोरी सब जाच आम मॉडर्न हिस्ट्री आम पढ़ीचे। किंतु जितेबाला थ्रो आउट इंडिया रे हमरा प्रोटेस्ट हम फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो। ओके तो नेक्स्ट कौन हम ना आम लॉर्ड इरविन बाध्य होकर गांधी एगार पॉइंट रू के गुड़े पॉइंट राजी हे आउ राजी होकर कौन करेंगे ना समस्त को जो मैंने पॉलिटिकल प्रिजनर थे से रिलीज करेंगे। सो आफ्टर दे वेयर रिलीज फ्रम जेल आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट आम सैन होगापर तुम कौन हम ना जेल रु रिलीज कराव। ओके तो ये सब जिनस करते। ओके तापर हे सांग तो सी जिते आम समटाइम्स लैटर मिड सीमांत गांधी इन कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड रिक्वेस्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ओडिशा। तो ओडिशा रो आमर कौन करेंगे ना गोटे मीटिंग करने सी कौन करेंगे ना आम रिक्वेस्ट करेंगे। ओके तो हम आदित्य एक्चुअली एबे तो नोटिस बाहरी। ओके तो मे बी अनादर आमको 10-15 डेज वेट करिया पड़िबो तापर आमे जे कही परियो जे केबे कौन हम बोली। ओके तो तापर आमे कौन करिबा ना तमे जानी छ जे हमर ए तो जिनस सब हेतला तापर हमर सी आल्सो अरेस्टेड इन 1932। ओके हजारीबाग जेल रे हमर रखाइतला तंकु। ओके रिलीज फ्रॉम द जेल सी एंगेज हरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ द हरिजन। ओके तो हरिजन जो सेवा तुम जानी जे गांधीजी से 1932 रे गोटे हरिजन सेवक संघ करते जो यहाँ कौन कराई ना अपलिफ्टमेंट ऑफ द आमर जो अनटचेबिलिटी क्लास मानक अपलिफ्टमेंट आमर यहाँ होता। ओके तो से कौन करते ना गोटे जिते जेल जी आग हजारीबाग जेल 1932 रे आमर सी डी एम आम जेल जी जेल रु आसी सारापर सी एनगेज हरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ द हरिजन जोड़ा कि अनटचेबिलिटी। ओके तो इन द सर्विस ऑफ द हरिजन द गोटे इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता जहाँ ना अस्पृश्यता आमर निवारण समिति अस्पृश्यता निवारण समिति जोड़ा कि आम इंस्ट्रक्शन ऑफ गांधी इंस्ट्रक्शन आमर जो इराडिकेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी रखाई आमर जो छुआ छुआ भेदभाव को हटेबापी आमर जो गोटे संघ करेंगे जार ना हूँ अस्पृश्यता निवारण समिति। ओके तापर आम गांधीजी कौन करेंगे ना गोटे हरिजन सेवा संघ करेंगे तो सहीटा को आमर रमादेवी ओडिशा रे कौन जो हरिजन सेवा संघर ये कौन करेंगे ना इम्पोर्टाट गोटे मेम्बर थे। ओके सो रमादेवी कन्विन्स पीपुल नट टू ट्रीट आम हरिजन मान जो अनटचेबिलिटी को ब्यान करने लोक मितर आवेरने क्रिएट करुवे आ जो लिकर कंज्यूम को भी प्रोटेस्ट ये करुवे। तो 1934 रे गांधीजी जिते स्टार्टेड करेंगे मूवमेंट फ्रॉम पुरी वेयर रमादेवी वाज एक्टिवली एसोसिएटेड विथ गांधी इन हिज वर्क। ओके आम 1938 रे ओडिशा रे जिते आम आईएनसी मीटिंग हम गोटे 19 गोटे मीटिंग हो इन प्रेजेन्स अफ इन द इयर 1938 ए मीटिंग वाज हेल्ड इन प्रेजेन्स अफ गांधीजी कस्तूरबा मौलाना आजाद थे राजेन्द्र प्रसाद आ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन ओडिशा रमादेवी अल्सो इन दे आर अल्सो सी एक्टिवली एसोसिएटेड विथ दैट मीटिंग। ओके तो सी गाँ गाँ बुलिकी आम लोक मानक बुझे इवन इफ मनी कलेक्शन करेंगे मीटिंग गुड़ाक कंडक्ट हाँपाई। ओके तो जितेबाला आम कस्तूरबा गांधी डेथ हो। ओके तो ना गोटे आम कस्तूरबा ट्रस्ट थी थ्रू आउट इंडिया तो ओडिशा जो कस्तूरबा ट्रस्ट जोड़ा थी तो सहीटा को आम कौन करेंगे ना सीए कौन करेंगे ना सेटा को इनचार्ज हे। तो अगस्ट
1942 रे जो आमर क्विट इंडिया मूवमेंट हम तो क्विट इंडिया मूवमेंट रे रमादेवी आउ तंका हस्बैंड गोपबंधु चौधरी भी आमर आरेस्ट हेथिबे ओके ता छड़ा सी स्टार्टेड आमर कौन ना आश्रम गोटे करिथिबे बारी रे विज गांधीजी नेम्ड एज सेवागर ओके तो सेवागर आमर आश्रम जो ये करिथिबे तो सेथि आमर जो कौन ना एटा स्टार्ट करिथिबे रमादेवी ओके तो देयर द वॉल्यूंटियर ऑफ द आश्रम आर एंगेज इन वेरियस काइंड ऑफ वर्क लाइक खादी वर्क है अवेकनिंग ऑफ द वुमेन इन डिफरेंट इश्यू बेसिक एजुकेशन स्प्रेड ऑफ नेशनल लैंग्वेज हाउ रेंडरिंग द सर्विस टू हरिजन हाउ तो ये सब गुड़ाक आम क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट सेल्फ सर्विस एडल्ट एजुकेशन ड्रग डी एडिक्स जो एडिक्शन तो ये सब गुड़ाक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉमन मेन एंड वुमेन आम डेरी डेवलपमेंट है बी कीपिंग है लेदर वर्क डेलीवरी हेल्थ सर्विस टू पेसेंट तो ये सब गुड़ाक कौन होता ना गोटे पार्ट थी आम सेवागर जो आश्रम ये फॉर्मेशन करेंगे तो वर्कर ऑफ द सेवागर मीट इट फ्रॉम देयर ओन अर्निंग थ्रू द विविंग कॉटन ओके रमादेवी यूज टू सुपरवाइज ऑल दिज वर्क ऑफ द आश्रम हरसेल्फ ओके तो सेवागर जो आश्रम थी तो सही सी सब एक्टिविटीज गुड़ाक सुपरवाइज आम करेंगे रमादेवी आफ्टर इंडिपेंडेंट रे कौन हम ना 1947 जो इंडिया इंडिपेंडेंट हेला 21st अगस्ट ओके उत्कल खदी मंडल वाज एस्टाब्लीश एंड रमादेवी बिकम द एक्टिव मेंबर ऑफ इट सी लेबर हार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन देयर आफ्टर सी स्टार्टेड ए टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड एस्टाब्लीश बालवादी एट रामचंद्रपुर एंड इंट्रोड्यूस ए शिशु विहार योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रेन 1950 रे सी एस्टाब्लीश ए ट्राइबल वेलफेयर सेंटर एट दुम्ब्रु गेडा फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब सो रमादेवी हरसेल्फ वाज सुपरवाइज दिज वर्क विथ मच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ओके 1951 रे रमादेवी एंड मालती देवी वेंट टू कोरापुट एंड गिव द सर्विस टू द फेमाइन हिट एरिया ओके तो ये सब तुम्हें रमादेवी डिटेल सब जाच ओके ऑल्सो माने विक्टिम जो मैंने आम कोरापुट जो मैंने थ्रो अफ फ्रीमाइन जो मैंने सफर होते से आमर सपोर्ट दौर रिलीफ प्रोवाइड करेंगे ऑल्सो सी हाड ऑल्सो स्टार्टेड आमर ग्रामदान मूवमेंट इन दिस एरिया तो ग्रामदान मूवमेंट रे जो मूवमेंट ये स्टार्ट करेंगे सी कुड नॉट स्टैंड स्टिल आफ्टर सीइंग द पेनफुल सिचुएशन ऑफ द पीपल एंड इमीडिएटली रश टू द अफेक्टेड एरियाज एंड रेंडर द नेसेसरी सर्विस टू द अफेक्टेड विक्टिम विदाउट हेजिटेशन ओके तो यही सब आम ड्यूरींग फिमाइन हो कि फ्लड हो सब बेले सी मानने लोक मानक हेल्प करने हेल्पिंग हैंड बढ़ाया ट्राए करूँ नाचुराल कैलमिटी जिते आसे आम तो से समय ये जा कौन करती लोक मानक हेल्प करती से फ्लड आम बालेश्वर हो साइक्लोन इन केन्द्रापड़ा हो कि कटक ढेंकानाल मयूरभंज ये एरिया जामर कौन लोक मानक हेल्प करती सो ड्यूरींग दिज डिफिकल्ट सर्कमस्टानसेस सी टुक पार्ट जयप्रकाश नारायण एंड रेंडर द सर्विस थ्रू उत्कल रिलीफ कमिटी ओके तो यही सब जिनस तुम्हें मन रख सो बिंग इनफ्लुएंस बाय द आइडियल्स ऑफ सर्वोदय मूवमेंट आम जो विनोबा भावे सर्वोदय मूवमेंट ये भी पार्टिसिपेट करते तो रमादेवी आलंग विथ हर हजबैंड गोपबंधु चौधरी स्टार्ट देयर फुट मार्च इन इयर 1952 इन डिफरेंट कर्नर ऑफ ओडिशा लाइक आम गंजाम हो गुणपुर हो विषम कटक हो भवानीपाटना संबलपुर ये एरिया मैंने मार्च करेंगे ओके एंड कभर अराउंड 2000 माइल्स एंड स्प्रेड द आइडियल ऑफ द भूदान मूवमेंट ओके इन द एंटायर ओडिशा द मेन एम ऑफ दिस मार्च वाज टू कलेक्ट सरप्लस लैंड एंड इन दिस प्रोसेस दे आर कलेक्टेड 1000 एकर्स ऑफ लैंड फ्रॉम द पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड टू द पीपल हु हैव लैंडलेस तो ये लोक मानक जाइए कौन हाय अमित तो ये लोक मानक लोक मानक कौन मानने लोक मानक जो मैंने कि धर तुम पाखे सरप्लस जमी अच्छी आउ जड़े लोक पाखे बिलकुल जमी ना तुम कौन कर ना जमी दान कर लैंडलेस लेबर मानक तुम जमी दान कर ओके तो से गोटे भूदान मूवमेंट आउ सर्वोदय मूवमेंट रे पार्टिसिपेट करते गाँ गाँ जा लोक बुझाऊ तो जहाँ पाखे सरप्लस जमी अच्छे से मैंने डोनेट करुले आउ यो सरप्लस जमी गुड़ाक आम जो लैंडलेस लेबरर अच्छा कि फार्मर अच्छा से दि जाऊला ओके सबसिक्वेंटली दे आर एक्चुअली एसोसिएटेड विथ विनोबा भावे ओके
1951 when he came to Orissa, he presided over the meeting of All India Sarvodaya Convention held in Pandharpur. Okay, in 1962 Indo-China War jetebele hela, this brave woman had moved courageously to give selfless service to the Indian soldier affected in war. Okay, so during the emergency in 1971 along with Hare Krishna Mahatab, amara Nalini Raut Rai, Rama Devi came forward to protest the situation. Even if tamara 1975 ra jo emergency bele amara Indira Gandhi ko samay reithila sethire bi protest karuthile. During that amara tame kon karibo time the freedom of press was curtailed, so Rama Devi introduced a newspaper in her own signature to spread the message to all quarter of the people. Okay, in Orissa the newspaper published from the Ganjam jan naam Ganjam published from amara Gram Sevak Press, and which was actually subsequently closed by the government and declared unlawful. Tame janicha je 1975 re jo war heithla, sorry jo national emergency amara issue heithla, ta sei samay re press upare amara pura restriction lagithla, taku illegal kohautla. Okay, ta sete bele ye jete bele amara 1971 ra jo 1975 ra jo emergency bele ye protest karithile. Okay, au nije bi gote newspaper publish karithile. Okay, so Rama Devi persuade the common mass to fight against injustice. So among her spectacular achievement are establishment of the cancer detection center, amara Shishu Bihar Katak amara cancer detection center odaitla. She was awarded many awards and honor for her selfless service to mankind. She also received many awards for her benevolent and philanthropic jo activity jogu. She was awarded the honorary doctorate from Utkal University and facilitation from Jamuna Lal Bajaj Foundation on July amara 22 1985 day jo amara Rama Devi kara death he jaithilo. Okay, ta chhada amara hochi kono ta chhada amara kono hobo na jo different amara आक्टिविटीज जो तक ना आमर तुम तो जान रमा देवी कॉलेज आग थी वोमेन्स कॉलेज बर्तमान से यूनिवर्सिटी आम गोटे रमा देवी यूनिवर्सिटी. ओके, तो ये तुम रमा देवी डिटेल जेहेतु वोमेन एम्पावरमेंट आम केवल जे मेन पॉइंट ऑफ व्यू तो आम चार पाँचटा पॉइंट लिखा जे रमा देवी कौन कौन अचीवमेंट थी. ओके, किंतु जो आम जेहेतु वोमेन एम्पावरमेंट आम पढ़ुचे तो डिटेल पढ़ले से केमी लाइफ जो स्टार्ट रू आम नहीं कि एंड तक. ओके, तो केमी से पूरा टोटल फ्रीडम मूवमेंट रे पार्टिसिपेट करते. ओके, तो सी आमर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, अनटचेबिलिटी हो, ऑल सेक्शन रे आमर इवन इफ आम फ्रीडम जो स्पीच आउ एक्सप्रेसन एग्नेस्ट रे इमरजेन्सी समय हो, तो इंडिपेंडेंस पूर्व से फाइट करुले देश को इंडिपेंडेंस करने इंडिपेंडेंट पर भी सी फाइट करिवे जे देश रे हमरो जे लोक माने कर जो ह्यूमन राइट्स आउ लोक माने कर जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करिया पई. ओके, तो एई सब जिंस रे तांकर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिले सोशल जो रिफॉर्म हला, पॉलिटिकल रिफॉर्म हला, एजुकेशन रिफॉर्म हला, तो सब केस रे समान जो सब डायरेक्शन रे तांकर कंट्रीब्यूशन अछि, तो सेति पई रियली सी माने होछन्ते जे गोटे लीडिंग फिगर फॉर एमन एम्पावरमेंट. आउ गोटे आम कही पारिबा जे हु एक्चुअली आमर ओडिशा रा माने जदि आम ओडिशा पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिबा लीडिंग वोमेन जे कि आमर फ्रीडम स्ट्रगल रे पार्टिसिपेट करथिले एंड आल्सो आफ्टर इंडिपेंडेंस परे आमर कंट्री रा स्ट्रेंथन पई भी आमर कोन होची ना वोमेन मानकर एम्पावरमेंट पई भी से फाइट करथिले. ओके, तो एतिके आम डिस्कशन कले रमा देवी उपरे. मते एक्चुअली आउ गोटे टॉपिक दिया हेतला जो सरोजिनी नायडू को उपरे. ओके, तो सरोजिनी नायडू को उपरे तमे कौन जानी छो आमे फाइव मु तो पूरा कंप्लीटली डिस्कशन करि परबिनि सरोजिनी नायडू को उपरे जेहेतु आमको 30 मिनिट्स टाइम दिया हेछि ऑलरेडी टाइम हे गलानी मु ब्रीफली तमे कुहा जे सरोजिनी नायडू को उपरे कौन कौन पॉइंट तमे जानी छो. यस, आमर फास्ट आम वुमेन यूनिवर्सिटी सरोजिनी नायडू का उपरे कौन कौन पॉइंट्स तुम जानी तुम
जे कह कौन कौन आम इम्पोर्टेंट पॉइंट जान ओके फास्ट इंडियान आमर जी कि आईएनसी रो प्रेसिडेंट हेतिले वेरी गुड तनुजा तापर आमर फास्ट वुमेन गवर्नर ओके आउ कौन हेतिला से फास्ट गवर्नर ऑफ यूपी ललाट वेरी गुड तो आमर फास्ट इंडियन वुमेन प्रिसाइडेड आईएनसी ओके वुमेन इंडिया एसोसिएशन ओके आउ कौन कौन आमर डिस्कशन होता कौन कौन आउ सी इम्पोर्टेंट आमर ओके ओके तो आमर कौन कौन आम डिस्कसन करवा देख पॉपुलरली नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया कह जाए ओके सी वाज आमर नेशनलिस्ट आउ सी मैंने बहुत पोएट्री लिखुले ओके तो तापर आमर सी मैरिड टू आमर गोविंद राजुलू नायडू जो 1893 रे ओके सो अंडर द गाइडेंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले सी बिकम द फास्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से गांधी जो आम दांडी मार्च होता तो सही पार्टिसिपेट करते सी पार्टिसिपेटेड द दांडी मार्च विथ गांधी एंड प्रिसाइडेड ओवर द कानपुर सेसन आम 1925 रे जो कानपुर सेसन होता से आमर पार्टिसिपेट करते सी वाज द फास्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट तापर हर फेम जो फेमस आम पोएट्री गुड़ाक लिखी है गोल्डेन थ्रेशोल्ड तो 1905 रे लिखी है द फादर ऑफ द डॉन द बार्ड ऑफ द टाइम द ब्रोकन विंग तो यही गुड़ाक सीए आमर कौन ना सरोजिनी नायडू लिखी थे ओके तो जड़े इम्पोर्टाट आमर फ्रीडम फाइटर आउ लीडिंग आमर पर्सनालीटी थी सरोजिनी नायडू ओके जी कि केवल जे आमर तर जो फ्रीडम स्ट्रगल नुहे वुमेन एम्पावरमेंट भी आम बहुत कम कर पॉपुलरली नाइट एंगल ऑफ इंडिया बोली कहा जाए ओके तो यहाँ को आम डिटेल डिस्कसन करवा के नेक्स्ट के डिस्कसन करवा कि मेन पॉइंट ऑफ व्यू रु तुम मन रखी था जे आमर ताकूर नाइट एंगल ऑफ इंडिया कह जाए तापर आमर सी हूँ फास्ट इंडियन वुमेन जी कि आमर आईएनसी को प्रिसाइडेड करते फास्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश तापर तुम कहीपर जो आम सीडीएम सी पार्टिसिपेट करते ओके तापर आमर मैंने सल्ट सत्याग्रह से पार्टिसिपेट कर आलंग विथ जो दांडी मार्च रे गांधी संगे आर जो नंबर ऑफ आमर सब पोएट्रीज थी गोल्डन थ्रेशोल्ड है कि फादर ऑफ द डॉन है बार्ड ऑफ द टाइम ब्रोकन विंग ये सब गुड़ाक सी कौन करते ना पार्टिसिपेट करते ओके सो थैंक यू गाइज आम जेहेतु 30 मिनिट्स तुम नेक्स्ट जो मैंने क्लास नाक अलरेडी स्टार्ट सो यू कैन जॉइन देम अल्सो ओके भारतर बुलबुल कहा जाए ओके आउ आमर आनी बेसांत को उपरे आमर भी थिला ओके तो आनी बेसांत को उपरे भी आमे डिस्कशन करिवार थिला ओके त
ମୁଁ ତୁମକୁ ରଫଲି କହିଦେଉଛି ଆନିବେସାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ସିଏ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ କରିନଥିବେ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହୋଇଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବ୍ଲାଭାସ୍କି ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଲ ଅଲକଟ କରିଥିବେ, ସିଏ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଯେଉଁ ସୁପରଭାଇଜର କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସିଏ ଆସିଥିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତୁମେ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି କୁହାହେବ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି କିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ନା ଆନିବେସନ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ପଚାରିଲେ କିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ନା ଆମର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ପଚାରିଛି ଓମେନ୍ ତାହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନିବେସନ। 1970 ସିଏ ଆମର 1970 ସିଏ ଆମର ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବେ। ସି ଡି ନଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ସେସନ୍ ଆର୍ ନାଗପୁର 1920 ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗାନ୍ଧି। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆସିଥିବ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କମନ୍ ୱିଲ୍। ଓକେ, ସି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦ ଲୋଟସ୍ ସଙ୍ଗ, ସି ପ୍ରିପେୟାର୍ ଦ ଲୋଟସ୍ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ଆମର ହେଲା, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଗୀତା ଇଣ୍ଟୁ ଇଂଲିଶ। ତ ଏଇସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ଯେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଯେ ସେ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ। ତା ବାଦ ବି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ୟୁନିଟି ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିବ ନା ମଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ କରିଥିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ତୁମର ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଓକେ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଏନିୱେ ମୁଁ ତୁମକୁ PDF ସେୟାର କରିଦେବି, ତୁମେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ନେଇପାରିବ ସେଇଠୁ। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ 10:00 ବେଳେ। ଓକେ, ଫ୍ରି ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପଡ଼ିଛି OPSC ମେନ୍ରେ, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଜଏନିଙ୍ଗ।